हेलो फ्रेंड्स, मैं मनिका, आपकी गार्डनर दोस्त। आज आपको अपने गार्डन के कुछ फ्लावर्स दिखाऊंगी जो आज खिले हुए हैं, और वो भी मैं कंप्लीट नहीं दिखाऊंगी क्योंकि कंप्लीट के लिए आपको गार्डन ओवरव्यू का वेट करना पड़ेगा। गार्डन ओवरव्यू में अभी भी डाल सकती हूँ, काफ़ी फ्लावर्स खिले हुए हैं, लेकिन अभी भी कुछ फ्लावर्स ऐसे हैं जो नहीं खिले हैं। तो मैं चाहती हूँ कि बसंत पंचमी या उसके बाद में जब सारे 100% पौधों में फ्लावरिंग हो रही हो, तब मैं ओवरव्यू बनाऊंगी। अभी मैं सिर्फ आपको जो फ्लावर्स खिले हुए हैं वो दिखाती हूँ, उनमें से भी कुछ ही दिखाती हूँ, नहीं तो फिर आपको ओवरव्यू देखने का चार्म ही नहीं रहेगा। जैसे मैंने बताया, इस बार मेरे गार्डन में नए फ्लावर्स बहुत हैं। शुरुआत करते हैं। देखिए, ये मैम्यूलस हैं, ये हाइट पे रखे हुए हैं इसलिए मैं थोड़ा आपको गमला झुका के दिखा रही हूँ। मैम्यूलस के फ्लावर्स हैं ये, देखिए। मैम्यूलस में भी स्पैन फ्लावर्स को हटाते रहें तो फ्लावरिंग ज़्यादा होती है और ज़्यादा समय तक होती है। तो ये मैम्यूलस है, मल्टी कलर में आते हैं, खूबसूरत हैं। पिटूनिया के बाद शायद मुझे सेकंड नंबर पे यही लगे हैं, मैं अभी तक क्यों नहीं लाई मैं ये सोच रही हूँ। ये देखिए, ये निमिशिया कितनी खूबसूरत लग रहे हैं, देखिए ये भी। अभी इसके भी दो तीन पौधे और हैं जिनमें अभी खिले नहीं हैं फूल, ये एक ही गमले में अभी खिले हैं निमिशिया के। एक्चुअली मैंने दो दो तीन तीन पौधे एक में लगा दिए ना, तो उनको न्यूट्रिशन की कमी हो रही है कईयों में। तो देखिए कितने खूबसूरत तीन कलर के एक ही में लगे हुए हैं ये। ये देखिए, ये पेपर फ्लावर्स हैं, इनमें देखिए आपको मैं आवाज़ सुनाती हूँ क्यों कहते हैं इन्हें पेपर फ्लावर। हाथ मेरे गंदे लग रहे होंगे, मैं मिट्टी में काम करके हटी हूँ, ये देखिए, तो इसलिए इनको पेपर फ्लावर कहा जाता है, पेपर जैसी आवाज़ आती है इसमें। और कुछ अभी खिले नहीं हैं, जैसे डाइमॉर्फो नहीं खिले, ऑस्टियोस्पर्मम नहीं खिले, कलांशु में अभी फ्लावर्स नहीं आए हैं, डॉग फ्लावर्स में अभी एक दो में आए हैं, बाकियों में अभी आने बाकी हैं। देखिए ये डॉग फ्लावर, बाकी ये डॉग फ्लावर की एक अलग वैरायटी है, इसके अभी फ्लावर्स सारे नहीं खिले हैं। ये देखिए प्रिमरोज, प्रिमरोज की अलग वैरायटी है, हमेशा मैं ये वाली वैरायटी लेती हूँ, ये वाले तो शायद इस बार सारे रेड ही आ गए। ये देखिए, ये स्पेंट हो रहे हैं, इनको हटाऊंगी तो नए, देखिए इसमें भी ये स्पेंट फ्लावर्स को हटाना पड़ता है, तो ये देखिए इनको स्पेंट फ्लावर्स को हटाऊंगी इसके भी। ये एक दो ना टूट भी गए हैं, देखिए ये देखिए ओले आए थे तो ये देखिए ये यहाँ से टूट गए हैं। ये देखिए रेनन्क्युलस, रेनन्क्युलस में क्या होता है, बल्ब के साइज पे डिपेंड करता है कि पौधा कितने फ्लावर्स देगा। अब ये देखिए ये येलो वाला जो है, ये इसका बल्ब शायद छोटा होगा, तो ये देखिए कम फ्लावर्स हैं इसमें और अब ये पौधा मरने लगा है। और ये देखिए कुछ थोड़ा सा, मैं जैसे कहती हूँ अंडर वाटरिंग का शिकार भी हो गए हैं ये पौधे। ये सारे रेनन्क्युलस हैं। ये देखिए गेंदे के फूल हैं, ये भी अब थोड़ा सा थोड़े टाइम तो नहीं, इसमें तो कलियां देखिए आ रही हैं खूब। बस ये गेंदे में क्या होता है, मिट्टी सूखनी नहीं चाहिए इसमें, लेकिन मेरी बीच में सूख जाती है मिट्टी। मुझे एक्चुअली क्या सफाई का बहुत ज़्यादा रहता है, तो जैसे झाड़ू पोछा जब लग जाता है ना, तो उसके बाद मैं पानी नहीं दे पाती, और गर्मी सर्दियों में क्या शाम को बहुत ठंड होती है, तो इस चक्कर में ना कई बार पौधों में, स्पेशली इनमें मेरे विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स में ये नुकसान बेचारे पौधों को हो जाता है कि मैं इनको पानी थोड़ा लेट कर देती हूँ। इसलिए थोड़ा सा गेंदों में पानी की बिल्कुल कमी नहीं रखनी चाहिए, ना ओवर वाटरिंग होनी चाहिए ना कमी भी नहीं रखें गेंदे में पानी की, थोड़ा सा लोअर
साइड में ही रखें पानी इसमें। ये देखिए ये प्लांटर्स हैं और पॉइंसेटिया मैंने फुल सन में रख दिए, वैसे ये थोड़ा हाफ डे सन में रहे तो अच्छे रहते हैं। और ये देखिए इम्पेशियंस, इनको ऐसे घुमाती हूँ मैं, ये देखिए इम्पेशियंस में कोई बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग नहीं हो रही है। इसको थोड़ा सा मैं हाफ डे में रखूँगी, यहाँ इनको थोड़ी सी धूप ज़्यादा मिल रही है। और इम्पेशियंस का भी यही होता है, इनको पानी की कमी होना, मेरे से वही कह रही हूँ आजकल, इस बार ये बहुत ज़्यादा हो रहा है मेरे साथ पानी की कमी। देखिए ये ऑर्नामेंटल ऑरेंज छोटे छोटे अभी और भी आ रहे हैं, ये देखिए और भी आ रहे हैं, ये साथ साथ आते रहते हैं, साथ साथ पक के गिरते भी रहते हैं। ये देखिए अभी और नेक्स्ट मंथ तक ये पूरा भरेगा, अभी इतना ही भरा हुआ है। कितने खूबसूरत लगते हैं ये येलो येलो लगे हुए। नीचे देखिए ये अलाइसम है, इनमें भी अब फ्लावर आने लग गए हैं, तो अब धीरे धीरे इनमें भी फ्लावर आएंगे। तो फरवरी तक जब मैं ओवरव्यू बनाऊंगी तो इनमें सब में अच्छी तरह फ्लावरिंग होने शुरू हो जाएगी। ये देखिए ये फ्यूशिया के फ्लावर्स, ये देखिए फ्यूशिया को वैसे छाया में रखना चाहिए, हाफ डे सन या एक दो घंटे की धूप बहुत होती है इनको, लेकिन ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और ये देखिए ये है एक, इसको अभी मैं प्रॉपरली हैंग करूंगी उस तरफ, अभी मैंने ये यही हैंग कर दिया। और इसमें ये जेरेनियम रखे हैं, देखिए ये इसको भी प्रॉपरली अरेंज करूंगी तो फिर आपको दिखाती हूँ ओवरव्यू में। और ओवरव्यू में अभी मैं कुछ हैंगिंग बास्केट्स भी लगाऊंगी, तैयार हो रही हैं, तो बस आज मैंने कहा थोड़ा सा दिखाते हैं, फिर आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिखा दो तो आप ओवरव्यू नहीं देखते हो, और जबकि मेरी सारी प्रिपरेशन इसलिए रहती है कि एक बार अच्छी तरह आपको गार्डन घुमाऊँ, तो वो मैं फरवरी में दूंगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये अब ये लियो देखो ये अंदर से झांक रहा है, इसको धूप लगी है, अब हमारे यहाँ धूप तेज होनी शुरू हो गई है, तो अब इसको धूप में बैठा था धूप लगी है, तो अब ये अंदर से देख रहा है हमको, नीचे नहीं जाएगा जब तक हम नहीं जाएंगे, लेकिन बस तो इसी के साथ एक मैं आपको चलिए एक ये भी दिखा देती हूँ आपको। ये फ्लॉक्स की एक वैरायटी है, हमेशा जो मैं बैकयार्ड से फ्लॉक्स दिखाती हूँ ये उनसे कुछ अलग वैरायटी है, वो भी दिखाऊंगी आपको। फ्लॉक्स के फ्लावर्स क्या होते हैं, हमेशा देर से खिलते हैं और लंबे समय, अलाइसम फ्लॉक्स ये थोड़ा देर से खिलते हैं, तो देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो बस इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।